हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मल्टीप्लिकेशन। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताने वाली हूँ कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हियर थ्री डिजिट नंबर्स मीन्स थ्री डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट नंबर से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले वो हम जानेंगे, देन थ्री डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर से हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। 1, 5, 6 देन 6 मल्टीप्लाई। ओके, ये सिंगल डिजिट है, वन डिजिट है आपका। ओके, तो जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कौन से साइड से स्टार्ट करते हैं? वंस प्लेस से। सो वंस प्लेस पे आपको दिखाई दे रहा है ऊपर 6, तो 6 का हम मल्टीप्लाई जब 6 में करते हैं तो क्या हमें मिलता है? 6 की टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36। सो 36 में जो वंस प्लेस पे होता है उसे हम यहाँ राइट करते हैं कॉलम में। ओके, और जो आपका टेंस प्लेस पे होता है उसे हम टेंस प्लेस पे कैरी ओवर कर देते हैं। सो वी विल कैरी फॉरवर्ड इट। ओके, नाउ 6 की टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे। अब आपका वंस प्लेस हो गया, अब आपको टेंस प्लेस पे करना है। तो 6 की टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ोगे तो 6 × 5, 6 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 30। ओके, सो यहाँ 0 है वंस प्लेस पे, सो यू विल नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर, बिकॉज जब हमें 30 मिल जाता है तो 30 में ये जो कैरी ओवर किया गया नंबर है 30 प्लस 3 करते हैं। सो हियर आप 3 नंबर को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 33। अब इस 33 में जो वंस प्लेस पे नंबर है उसे हम यहाँ राइट करते हैं टेंस के कॉलम में, देन ये जो 3 है टेंस वाले प्लेस पे इसको हम 100 वाले प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। सो हियर 3। ठीक है, अब 6 की टेबल आप 100 वाले प्लेस में पढ़ेंगे, ये क्या है आपका? 1। तो 6 की टेबल 1 टाइम पढ़ोगे तो क्या आएगा? 6 × 1 = 6। 6 की टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा आता है आंसर 6। अब 6 में ये जो कैरी फॉरवर्ड किया है उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 6 + 3 = 9। सो हियर यू विल राइट 9, क्योंकि ये सिंगल है, सो यू विल राइट हियर 9। क्लियर? सो हियर इज द आंसर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। जब हम सिंगल डिजिट से करते हैं तो ये आपका आंसर फाइंड होता है। इस आंसर को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स। जब हम थ्री डिजिट नंबर में टू डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखेंगे। ओके, नाउ लेट सी हियर टेंस, 100 tens, 1, 2, 3, 4 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल किस से स्टार्ट करेंगे हम? 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 2 से हम वंस में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 2 × 4 = मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4, 2 × 4 = 8। तो 2 × 4 = 8 आप डायरेक्ट राइट करिए। 2 × 3 = 6 डायरेक्ट, 2 × 2 = 4 डायरेक्ट, क्योंकि इसमें आपका कैरी वाला आंसर नहीं है। ओके, कैरी वाला नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे। देन अभी ये 2 का पूरा कंप्लीट हो गया, राइट? तो अब हमें किसे करना है? ये जो नंबर बचा है अब इस नंबर से भी सेम वैसे ही प्रोसेस हमें करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले डिजिट से किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 से हम 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पर जब राइट करना होगा तो आपको टेंस प्लेस से स्टार्ट करना होगा क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। ओके, तो यहाँ हम कुछ नहीं राइट करते हैं, 0 कर देते हैं। ओके, वी विल राइट हियर 1, 4, 4, 1, 3 = 3, 1, 2 = 2, देन 8, 6 + 4, यहाँ पर हम लोग प्लस करते हैं इसको। ओके, जैसे ही हमारा वन डिजिट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड डिजिट वाला कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट हमारा आता है उसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना होता है। ओके, 6 + 4 = 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, देन ये 2 का 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, ये था आपका विदाउट रीग्रुपिंग। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देख लेते हैं विद रीग्रुपिंग। ओके, हियर एन एग्जाम्पल, 100 tens, 1s, द नंबर इज 3, 8, 2 एंड टू डिजिट नंबर हियर 2 एंड 6, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके,
सो फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिक्स से स्टार्ट करेंगे. सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे टू में, सिक्स टू सा 12, 12 का 2 राइट करेंगे, राइट. मैंने अभी आपको बताया ना 12 है, तो 12 का 1 प्लेस हम यहाँ राइट करते हैं और 10 प्लेस को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. सो हियर 1 कैरी हो गया. ओके, फिर 6 की टेबल 8 में हम पढ़ेंगे, 6 8 ज़ा 48. 48 को आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं राइट करेंगे, अब हमें ये जो 1 कैरी फॉरवर्ड किया है उसे ऐड करना होगा. सो वी विल ऐड हियर 8 प्लस 1 9 4. सो 49, 49 का अब हम 1 प्लेस राइट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये जो 10th प्लेस है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ पर. ओके, 100 प्लेस पे, आगे वाले प्लेस पे फॉरवर्ड करते हैं. नाउ 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 अगर आया आपका, तो 18 में हम प्लस करेंगे 4 को. ओके, यो 18 में हम 4 को ऐड करते हैं. 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 1 2. ओके, तो ये हो गया आपका 22. 22 का हम यहाँ पर टोटल 22 राइट कर देंगे, बिकॉज आगे कोई नंबर नहीं है, सो हम इसे सेम वैसे ही राइट कर देंगे. नाउ अब हमें सेकेंड डिजिट से करना है, 2 से करना है, तो सेम प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 6 से किया था. सो 2 की टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 2 2 सा क्या होता है 4. ये हम 10th के प्लेस पर राइट करेंगे, बिकॉज हम 10th वाले प्लेस का कर रहे हैं सॉल्व. ओके, और 1s वाले प्लेस पर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. क्लियर. देन 2 की टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी हो जाएगा. देन 2 3 ज़ा 6 और प्लस 1 7. क्लियर. सो ये अब हम ऐड कर देंगे, 2 में 0 ऐड करेंगे, 2 9 प्लस 4 13, 3 1 कैरी, 6 प्लस 2 8 1 9 7 8 9. सो हियर इज़ द आंसर, ये है आंसर. ओके, I hope it is clear to you. If not, please ask to me again. Thank you.